अच्छा बेटा, तो टॉपिक है हमारा आज का आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। बट आपको कल भी बताया था कि आइसोमर्स यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बल्कि स्टीरियो आइसोमर मुराद है, और दो तरह के इसकी टू टाइप्स है। एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसको आप सिस ट्रांस भी बोलते हैं, और दूसरी टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर। फिर बेटा हमने ये देखा था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो लीनियर है, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये बेटा आपको सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करके देंगे। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आपको सिस ट्रांस आइसोमर बनाकर देंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ये भी आपको सिस ट्रांस आइसोमर बनाकर देंगे। और इसमें बेटा आपको मैंने जो प्रैक्टिस करवाई थी, इसमें आपको बताया था कि स्क्वायर प्लेनर में या ऑक्टाहेड्रल में सिस वो होता है इन शॉर्ट कि जिसमें दो आइडेंटिकल लाइगेंड्स 90 डिग्री पर हों, और अगर दो आइडेंटिकल लाइगेंड्स 180 डिग्री पर होंगे तो उसको आप ट्रांस आइसोमर कहेंगे। फिर उसके बाद बेटा हमने स्टार्ट करना था, आज जो था हमारा लेसन वो है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर में देखें, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे या नहीं, तो भी आपको बताता हूं। तो याद रखिएगा बेटा, लीनियर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है भी वही बताऊंगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होता है, लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन मैं लगाऊंगा जी, देखिएगा। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ बाइडेंटेट ligands are present. Bidentate ligands, बेटा सबको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ऐसे ligands which can make two dative bond, उनको बोलते हैं bidentate ligand, ठीक है जी। तो in octahedral complexes optical isomerism is possible if bidentate ligands are present. The dative bond को identify करना, जरा दोबारा बता देंगे आप? मैं भी बता देता हूँ बेटा, लेकिन यहाँ पर बेटा एक लाइन, एक वर्ड और ऐड करें जो मैंने नहीं लिखा, मैं इसको बेटा दोबारा कर रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड बीच में मिसिंग है। मैं भी बेटा वो आपका आंसर देता हूँ, पहले ये एक मिनट कंप्लीट कर लेने दो। Bidentate ligands are present. बेटा octahedral complexes उस वक्त आपको optical isomer show करके देंगे अगर उस octahedral complexes के अंदर दो bidentate ligand हो। जो बच्चा डेटिव बॉन्ड का बेटा पूछ रहा है, वो जल्दी से यहां देख ले कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है। बेटा डेटिव बॉन्ड हमने ये पढ़ा था कि जब एक ही एटम अपने
दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दे। फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, इसने बेटा बॉन्ड बनाना है एच प्लस के साथ, एच प्लस हैज नो इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो याद रखें डेटिव बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, फिर डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो अब देखें कैसे डेटिव बॉन्ड बनेगा जी, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना जो डॉट क्रॉस से, लेकिन ये जो बेटा बन रहा है ना अब, ये बेटा डेटिव बॉन्ड है जिसमें आप इसको एरो से शो करते हैं कि नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है विद हाइड्रोजन। तो ये होता है जी डेटिव बॉन्ड। अब आ जाए दोबारा ऑप्टिकल आइज, बेटा ये समझ आ गया डेटिव बॉन्ड, याद आया कुछ एएस में जो पढ़ा था, व्हेन वन एटम शेयर्ड बोथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बेटा देखें, हमने आज जो पढ़ना है ना, पहले आइसोमर में जो लास्ट चीज है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अभी सिर्फ डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, ये वही डेफिनेशन है जो एएस में आपने पढ़ी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है, अभी जब मैं आपको नीचे इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो बेटा इसकी एग्जाम्पल देख लेना, क्वेश्चन अगर वो देता है ना आपको कि ड्रॉ दी ऑप्टिकल आइसोमर फॉर ये जी कॉपर है और EN3 है, EN का मतलब सबको पता होना चाहिए, EN बेटा ये होता है देखें 1,2 डाइमाइनो इथेन, 1,2 डाइमाइनो इथेन इसको EN कहते हैं, ठीक है। अब इसका बेटा ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, जरा देखिएगा ये आपके पास है कॉपर, बेटा ये आपको पता है ना बाइडेंटेट लाइगेंड है ना, एक EN दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो ये बेटा तीन यहां पर EN है तो इसका मतलब है 6 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। अब देखना जी बेटा ये आप इस तरह करें कि नाइट्रोजन पहले यहां लगा देना हर एक के साथ, तो डेटिव बॉन्ड तो नाइट्रोजन नहीं लगाना है ना। अब देखें एक डेटिव बॉन्ड ऐसे बनेगा जी, सॉरी एक लाइगेंड ऐसे अटैच हुआ, ये NH2 और ये NH2, ठीक है ना, ये एक बेटा बन गया। दूसरा EN वो इधर आएगा बेटा, ये दूसरा हो गया, और तीसरा बेटा ऐसे आएगा, देखिए ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। ऑप्टिकल आइसोमर पता है आप कैसे बनाते थे एएस के अंदर भी, मिरर इमेज। मैं इसके अगर मिरर इमेज देखूं, मतलब अगर आप इस कंपाउंड को मिरर में देखें ना, सपोज करें कि ये मिरर है, तो मिरर में ये आपको कैसे नजर आएगा वो आप ड्रॉ करें, मिरर में कैसे दिखेगा आपने वो ड्रॉ करने जी। तो मैं वही कलर यूज करूंगा बेटा जो मैंने, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, ये दो ब्लैक कलर के, ये बेटा दो डॉटेड लाइंस और ये दो वेज हैं। अब बेटा देखें ये ग्रीन कलर का जो लाइगेंड आपको नजर आ रहा है ना NH2 ग्रीन वाला, ये बेटा आपने इधर बनाना है देखें ऐसे, ये होगा ना इसका मिरर इमेज। ये जो बेटा आपको ब्लैक कलर से नजर आ रहा है ना इधर, ये ब्लैक वाला, ये आप इधर ड्रॉ करें बेटा, और ये जो बेटा आपको रेड कलर का इधर नजर आ रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, ये इधर बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। अब आप जरा देखिएगा कि ये जो बेटा एक कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है, ये ए और ये बी है,
अगर आप ए कॉम्प्लेक्स को उठाकर बी के ऊपर रखें, ए कॉम्प्लेक्स को उठाएं और बी के ऊपर रखें, तो क्या ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है? मतलब ये होता है सुपर इम्पोजिबल का, जरा समझे, पड़ेगा जो ग्रीन कलर वाला लाइगेंड है, अगर आप ए को उठाकर बी के ऊपर रखेंगे तो क्या ये जो ग्रीन कलर का लाइगेंड है, क्या ये ग्रीन कलर के ऊपर ही आएगा या नहीं, ये मुझे बता दें, यस और नो? नो सर, नहीं ऊपर नहीं आएगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर आप बेटा इस ब्लैक एक ए मॉलिक्यूल को उठाकर बी के ऊपर रखते हैं, तो ये जो ब्लैक कलर का आपको लाइगेंड नजर आ रहा है, क्या ये ब्लैक वाले के ऊपर आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बेटा इनको आप बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इनको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन मैंने ये बताई है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमर उस वक्त शो करेंगे जब एटलीस्ट दो बाइडेंटेट हों, जब एटलीस्ट दो बाइडेंटेट होंगे तो आपका जो है ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। अब बेटा मैं जरा देखिए, आपको नजर आ रहा होगा मेरे आईपैड की चार्जिंग खत्म हो रही है, एक तो मैंने चार्जर लेकर आना है, वो नीचे रूम में रह गया, वो मैं लेकर आता हूँ, लेकिन आप इतनी देर में काम करेंगे, आपको मैं तीन कंपाउंड्स देकर जाता हूँ, आप उसके आइसोमर ड्रॉ कर लीजिएगा। पहला कंपाउंड है जी ड्रॉ दी आइसोमर ऑफ CO CN2 H2O2 1 plus, इसका बनाना है बेटा आपने आइसोमर, जो भी बनाना है आपने सोचना होगा, सिस ट्रांस या ऑप्टिकल जो भी बनता है। दूसरा है प्लेटिनम EN2 और ये 2 plus, और तीसरा है MN ऑक्सैलेट, ये है बेटा OX ऑक्सैलेट है, मैंने आपको बाइडेंटेट में लिखवाया हुआ है, OX से ऑक्सैलेट बनता है। तो अब आप बेटा इस तरह करें, हाँ जी बेटा, मैं जरा इसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि क्या करना है। अब आप देखें, मैंने कहा कि ड्रॉ दी आइसोमर्स, पहला कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें ना, इसमें कोबाल्ट है, CN, CN आप सबको पता है ये बेटा मोनोडेंटेट लाइगेंड है ना, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पर भी है लेकिन बॉन्ड कार्बन बनाएगा, ये मोनोडेंटेट है, दो दफा है, और दो वाटर है, वाटर भी मोनोडेंटेट है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, क्योंकि दोनों चारों मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो बेटा अगर इससे आप कौन सा वो बनाएंगे, कि जरा बात बड़े गौर से सुनने वाली है, इसका आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, बताइएगा जी। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं बन सकता भाई, क्योंकि आपने लिखवाया उसका आइसोमर, शाबाश, उसके आइसोमर ही नहीं होता। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है और ये आइसोमर भी बनाता है, तो यहां से आपको पता चलेगा, याद रखिएगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो और वो आइसोमर बना रहा हो तो समझ जाए स्क्वायर प्लेनर। और अगर एग्जामिनर ये कहेगा क्वेश्चन में कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है लेकिन उसका कोई आइसोमर नहीं है, तो समझ जाएगा वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि आपको ऊपर लिखवा चुका हूं टेट्राहेड्रल कोई भी आइसोमर शो नहीं करता, ना सिस ट्रांस ना ऑप्टिकल। तो इसलिए बेटा आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सिस ट्रांस होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए इसकी शेप, या स्क्वायर प्लेनर। तो ये होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर। अब आप कैसे बनाओगे, देखो ये लिया बेटा आपने कोबाल्ट, डॉटेड लाइन, ये बेटा वेज, और इसमें बेटा आप इस तरह करो कि सिस बनाना है ना, तो दोनों लाइगेंड्स आइडेंटिकल एक साथ लगा दो, और दोनों आइडेंटिकल लाइगेंड्स वाटर एक साथ। अच्छा, लोन पेयर ड्रॉ करना मस्त नहीं होता, अच्छी बात है अगर आप ड्रॉ कर देते हैं,
प्लस वन। बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कौन बच्चा बताएगा कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये तो सिस हो गया ना। ट्रांस कैसे बनेगा, ये देखो ये जो दो आइडेंटिकल लाइगेंड्स है ना, जो भी 90 डिग्री पर है, इनको आप 180 डिग्री पर ले जाओ, ये इसका ट्रांस बन जाएगा ऐसे करके। एक सीएन इधर, एक सीएन इधर, एक वाटर इधर, एक वाटर इधर, ये देखो ये 90 डिग्री पर आ गया। बेटा कौन बच्चा बताएगा जी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? जी प्लस थ्री, देखे ना बड़ा आसान है, वाटर न्यूट्रल है, सीएन हैज माइनस वन, दो सीएन है माइनस टू, ओवरऑल आंसर आपने प्लस वन लेकर आना है, तो कोबाल्ट के ऊपर प्लस थ्री चार्ज डाल दें फिर प्लस वन बनेगा। तो ये बेटा आपका ट्रांस हो गया, दिस इज ट्रांस आइसोमर, ठीक है ना, ये ट्रांस हो गया। अच्छा दूसरा बताएं जी, इसका आप बताएं कि ये जो है मेरे पास प्लेटिनम ई एन होल ट्वाइस, ये कौन सा आइसोमर बनाएगा? सर स्क्वायर प्लेनर अगेन। आइसोमर कौन से बनेंगे इसके, सिस ट्रांस? जी सर। शाबाश सिस ट्रांस। और कोई बच्चा बताए जी, तोसीफ इसका कैसे बनाएंगे बेटा? देखें बेटा इसमें नहीं बनेगा, कैसे बन सकता है इसमें, प्लेटिनम है ना, ये ई एन है, बाइडेंटेट लाइगेंड है, सो इट विल बी टेट्राहेड्रल। नहीं आप टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर इसका आइसोमर नहीं बनेगा बस, नो आइसोमेरिज्म, आप लिखेंगे नो आइसोमेरिज्म, देखो ना, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल तो बनाते नहीं है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ये देखो, चलो आप इसको जो भी कह दो, सिस कह दो या ट्रांस कह दो, सिस ट्रांस कैसे बनेगा, ये तो बाइडेंटेट है, कि आप ये समझ लो ये ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें चारों लाइगेंड्स एक जैसे हैं, एम ए फोर समझ लो इसको, इसलिए ये नहीं बनाएगा बेटा, नो आइसोमेरिज्म, इसके आइसोमर्स नहीं बनेंगे, इसलिए इसके आगे लिखे नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। अच्छा अब मुझे ये बताएं, ये जो है भाई नीचे वाला एम एन ऑक्सलेट थ्री, ये कौन सा आइसोमर बनाएगा, सिस ट्रांस या ऑप्टिकल या दोनों? ऑप्टिकल। सिस ट्रांस नहीं बना सकता? नहीं, क्योंकि सारे लाइगेंड सेम है भाई, एक जैसे लाइगेंड्स है ना, सिस ट्रांस के लिए डिफरेंट लाइगेंड्स होना मस्त है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। और कैसे बनाएगा, आप जरा ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर देख लें, ऑक्सलेट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, दिस इज ऑक्सलेट बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं ड्रॉ करना चाहते, मैं भी आपको बताता हूँ बेटा इसका लिखने का तरीका, देखिएगा एक स्टाइल तो ये बेटा इसके लिखने का, ओ एक्स लिख देते हैं बस, ये एक स्टाइल है ओ एक्स, ओ एक्स, ये बेटा एक स्टाइल है इसके लिखने का, और इसी का मिरर इमेज यहां बना देंगे। अब देखें ये जो रेड वाला है ना, ये इधर आएगा, ये जो ग्रीन वाला है ये इधर आएगा। सर हमने भी पेपर में डिफरेंट कलर्स से शो करना है ताकि मेरे इमेज का आईडिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने एग्जामिनर को समझाना थोड़ी है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ये आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक जैसे लाइगेंड्स के ऊपर नहीं आ रहे, ये तो एक स्टाइल है, लेकिन आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर। जी बेटा, जी जी सर प्लीज ये दोबारा समझा दे, मेरे इमेज वाला मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही है। ये जो अभी मैंने बनाया, अभी बेटा जो बनाया है, यस सर। अच्छा इसमें बेटा मैं इसको दोबारा ही करवा रहा हूँ इसके साथ,
आपको ये ओ एक्स वाला नहीं समझ आया? नहीं सर, मुझे नहीं समझ आया, आपने वो कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी। अच्छा ये देखें, पहली बात ये समझें कि जो ऑक्सैलेट होता है ना, ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सैलेट, और ऑक्सैलेट एक बाय डेंटेट लाइगेंट है। बाय डेंटेट लाइगेंट का मतलब होता है कि विच कैन मेक टू डेटिव बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है ऑक्सैलेट का, मतलब एक डेटिव बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा। अब जरा देखें, ये बेटा एक ऑक्सैलेट है, दिस इज वन ऑक्सैलेट। ये बहुत उसकी उसको हमने सिंपल फॉर्म में रखा है, ओ एक्स लिख दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं किया। अब मैं आपको जो दूसरा बनाने लगा था वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ऑक्सैलेट हो गया, जो कि देखें दो डेटिव बॉन्ड बना रहे नहीं बना रहे, जरा देखिएगा ये दो डेटिव बॉन्ड है ना, एक ये और एक ये डॉटेड लाइन से। तो एक ऑक्सैलेट कितने डेटिव बॉन्ड बना रहा है? दो। फिर क्या होगा बेटा, ये दूसरा ऑक्सैलेट है जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ऑक्सैलेट भी बेटा दो डेटिव बॉन्ड बना रहा है विद मैंगनीज। बना रहा है नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। इसी तरीके से ये तीसरा ऑक्सैलेट है जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये भी दो डेटिव बॉन्ड बना रहा है विद मैंगनीज। बेटा बताएं ये स्ट्रक्चर समझ आया कि ऑक्सैलेट ये जो दो डेटिव बॉन्ड बना रहा है क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है, इसलिए इसका मौलिक जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसको शो ही नहीं किया, सिर्फ ओ एक्स से गुजारा किया, ओ एक्स लिखकर उसी से एरो ड्रॉ कर दिए। ये ठीक है भाई, ये ए स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं? यस सर, समझ आ गया वाला स्ट्रक्चर वो मुझे इसका मैं यस, ये इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो इस तरीके से ही होगा कि ये बेटा आपके पास ये येलो कलर वाला इधर आ गया, ये मिरर में आपको ऐसे नजर आएगा, ये जो ब्लू कलर वाला है बेटा वो इधर आ गया, और जो ग्रीन वाला है वो ये। अब अगर आप इस ए मॉलिक्यूल को उठाकर इस ए कॉम्प्लेक्स को बी के ऊपर रखें तो येलो येलो के ऊपर नहीं आएगा, ग्रीन ग्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसको बेटा मैं इस तरह भी लिखना सिखाता हूं कि अगर आपने यही फॉर्मूला लिखना हो फिर कैसे लिखेंगे। देखिए इसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एम एन ऐसे, ये जी ये आ गया। अच्छा अब जरा देखिएगा जी, ये है हमारे पास ऑक्सैलेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लोन पेयर है। तो एक ऑक्सीजन इधर एक इधर, क्योंकि बॉन्ड इन्होंने बनाना है बेटा, इनको पहले आप फिक्स करेंगे, इन ऑक्सीजन को फिक्स करेंगे पहले, ये दो ऑक्सीजन आ गए इधर। अब पीछे रह गया सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट, ये जी ये एक लाइगेंड हो गया, दूसरा लाइगेंड भी इसी तरीके से ऑक्सीजन इधर फिक्स किया, ये इधर फिक्स किया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओ ये इस तरह हो गया। और तीसरा बेटा देखो, ऑक्सीजन को पहले फिक्स करेंगे इधर, और इनके दरमियान ये आप इसके दरमियान ड्रॉ कर दें बस, आपको दोनों आने चाहिए ना। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने चार्ज नहीं बताया, व्हाट इज द चार्ज ऑन मैंगनीज? कौन बच्चा बताएगा? सोच समझ क्या चार्ज है? प्लस टू। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, चेक कर लेते हैं अभी, मेरा ख्याल यही होगा, पहले चेक करते हैं। एक ऑक्सैलेट पर ना चार्ज कितना है पहले ये बताएं जी, एक ऑक्सैलेट पर कितना चार्ज आ रहा है? माइनस टू। एक इस ऑक्सीजन पर चार्ज है, एक ऑक्सैलेट पर माइनस टू चार्ज है, ये आपको याद रखनी है बात, ऑक्सैलेट के ऊपर माइनस टू चार्ज है। तीन ऑक्सैलेट है तो माइनस सिक्स। अब बेटा आपने आंसर लेकर आना है माइनस फोर, तो मैगनीज के ऊपर क्या चार्ज रखेंगे? प्लस टू। माइनस सिक्स को प्लस टू से सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है ना भाई? अच्छा
ये तो बेटा आपका हुआ है अभी, आइसोमर्स। अब हम आते हैं लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। अब जो काम है वो मेमोरी बेस है, आपको कलर्स याद रखने हैं बेटा, बस ये इंशाल्लाह कल आपका खत्म हो जाएगा ट्रांजिशन, उम्मीद है। अब बेटा बेटा अगर मैं आपको एक समरी सी बना दूं इसकी, जरा समरी देख लें आइसोमरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। आप लोग बताएं ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा, मतलब सिस ट्रांस? नो सर। स्क्वायर प्लेनर सिस ट्रांस बनाएगा? और ऑक्टाहेड्रल भी सिस ट्रांस बनाता है, कल किया था। ऑप्टिकल आइसोमर ना टेट्राहेड्रल बनाएगा ना स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ओनली ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, ठीक है? अब आते हैं जी लाइगेंड्स एक्सचेंज रिएक्शन। ये होता क्या बेटा, व्हाट इज मीन बाय लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन या लाइगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच लाइगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आर सब्स्टिट्यूटेड by other ligands. बट इसके ये लिखा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ligand को दूसरा ligand displace कर देगा, कैसे होगा अभी आपको बताता हूं। देखिए बेटा आपके पास ये बीकर है ना, इस बीकर में वाटर है, आप इसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं कॉपर सल्फेट, तो पूरा सॉल्यूशन का कलर पता है क्या हो जाता है, ब्लू, बिल्कुल इस कलर का होता है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली यही कलर बनता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो होता ये बेटा, इसमें कॉपर 2+ एक्वस और सल्फेट 2- एक्वस। असल में सल्फेट का कमाल नहीं है, जो ब्लू कलर है वो इस कॉपर का कमाल है, तो इसको हम जरा देखते हैं और इसके रिएक्शन हमने देखने हैं। पर ये कॉपर एक्वस का क्या मतलब है, आप लोग मेरे साथ हाइड्रेशन पढ़ चुके हैं, बताएं इस कॉपर हाइड्रेशन का क्या मतलब है, कॉपर एक्वस का क्या मतलब है, कॉपर CU और एक्वस लिखा हुआ मैंने, ये बच्चा बताए भाई इस कॉपर एक्वस का क्या मतलब है। हरी अब के कॉपर को कितने वाटर सराउंड कर रहे हैं, 6। कॉपर को कितने वाटर सराउंड कर रहे हैं बेटा, 6, ये इसका मतलब है। ये देखें कॉपर एक्वस का मतलब है कि कॉपर को इस तरह 6 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको अब आप लाइगेंड कहेंगे, लाइगेंड्स, वो सराउंड कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा जी, क्या शेप होगी इस कॉम्प्लेक्स की, नाम तो है इसका हेक्सा एक्वा कॉपर 2, नाम आपके सिलेबस में नहीं है ऐसी बता रहा हूँ, हेक्सा एक्वा 6 वाटर हैं कॉपर 2, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा इसकी शेप कैसी होगी, जल्दी से बोलें, जल्दी बोलें बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब बेटा इसका
कलर आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपने ये कि कॉपर एक्वस जो होता है ना 2+, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, लाइट ब्लू सोल्यूशन, लाइट ब्लू, ठीक है ना, लाइट ब्लू सोल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर आप जब NaOH डालते हैं तो क्या होता है, अमोनिया डालते हैं तो क्या होता है, मुझे ये बताएं। ओ लेवल्स में आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस का एक टेबल याद किया होगा ATP के पेपर के लिए, याद किया था, नहीं किया, किया था, सिर्फ ये मुझे बता दें याद है या नहीं याद। एक पेपर होता था जो आपको याद करवाया जाता था ओ लेवल्स के अंदर। नो सर, याद नहीं है। ATP नहीं किया बेटा आप लोगों ने? याद है सर? नहीं याद, आप बता दें। चले, नहीं मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने वो टेबल याद किया था, ये याद है या नहीं याद? यस सर, यस टेबल याद किया था सॉल्ट एनालिसिस का। उस टेबल में आपने ये पढ़ा था कि कॉपर 2 के टेस्ट, कि कॉपर 2+ एक्वस ये वाटर में है, आप इसमें बेटा डालते थे 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH, फिर आप इसमें डालते थे एक्सेस ऑफ NaOH, फिर आप नया सॉल्यूशन लेते थे और उसमें डालते थे 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया और फिर आप लेते थे एक्सेस ऑफ अमोनिया। ये आपने ओ लेवल्स में किया था और आप इसके फिर रिजल्ट बताते थे कि कॉपर 2, ये आपके पास ना बेटा, ये आपके पास समझे कि ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं जी, 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH। तो आपने याद किया था कि जैसे ही आप 5 ड्रॉप्स एक्वस NaOH के कॉपर 2 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। फिर आपने ये पढ़ा कि अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH इसी के अंदर डालें, इसी के अंदर, तो ब्लू प्रेसिपिटेट ही रहते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट ही रहेंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल। फिर आपने बेटा ये पढ़ा था कि फिर Na, फिर आप क्या करते हैं, नया सॉल्यूशन लेते हैं, इसको फेंक देते हैं, फिर आप कॉपर 2 का टेस्ट ट्यूब में डालते हैं सॉल्यूशन और आप 5 ड्रॉप्स एक्वस अमोनिया डालते हैं जी, आप देखते हैं कि अगेन ब्लू PPT बनते हैं। लेकिन जब आप इसमें ये एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे एंड डीप ब्लू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। पर थोड़ा बहुत याद आया, किस तरह की चीजें याद की थी ओ लेवल्स में बताइएगा जी सर, थोड़ा थोड़ा जी। अब हम आज A2 में इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहे हैं, वहां तो आपको सिर्फ हम रट्टा लगवा देते थे किसको याद करो भाई, तो अब आपने इसके रिएक्शन पढ़ने के, कॉपर के अंदर जब 5 ड्रॉप्स NaOH डालेंगे रिएक्शन कैसे होगा, एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे क्या होगा, अमोनिया डालेंगे क्या होगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो क्या होगा। तो अब बेटा आप जल्दी से इसको लिख लें पहले इस टेबल को, और इसके अब मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये था आपके पास टेस्ट ट्यूब में कॉपर 2, और इसके अंदर बेटा आप डालते हैं इनिशियली किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस NaOH। रिएक्शन पहले मैं लिखता हूं, कॉपर, बेटा ये कॉपर एक्वस का क्या मतलब है जरा बोलिएगा, कॉपर 2 एक्वस क्या मतलब है इसका? 6 वाटर सराउंडिंग। शाबाश, तो मैं अब एक्वस के बजाय 6 वाटर लिख रहा हूं। वाटर तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है ना, तो इसलिए कॉपर 2 का जो चार्ज है वो ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, बेटा ये कॉम्प्लेक्स है। आपने डाले इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, फ्यू ड्रॉप से मुराद आपने याद रखना है 2 NaOH। बेटा Na तो आपका स्पेक्टेटर आयन है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आयोनिक इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, तो Na को नहीं लिख रहा, OH लिख रहा हूं, OH इज कमिंग फ्रॉम NaOH। तो क्यों होगा ये बेटा, ये जो वाटर है ना यहाँ पर, वाटर बेटा यहाँ पर लाइगेंड के तौर पर काम कर रहा है ना, 6 लाइगेंड्स हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये OH इन वाटर को डिस्प्लेस करेगा,
ये बनेगा जी सी यू, पर अभी छह वाटर थे याद रखिए, छह वाटर थे, अब छह के बजाय चार वाटर रह जाएंगे, चार वाटर, और जो दो वाटर है ना बेटा, जो दो वाटर हैं उनकी जगह ओएच आ जाएगा। अभी आपको समझाता हूं बेटा, पहले इसे रिएक्शन मुझे लिखने दें, मुझे ये बताएं अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पहले ये बता दें कॉम्प्लेक्स पर क्या जीरो जीरो चार्ज, जीरो चार्ज, क्योंकि बेटा ईच ओएच हैज माइनस वन, दो ओएच है माइनस टू, कॉपर इज टू प्लस। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज हो, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज हो तो वो हमेशा प्रेसिपिटेट बना रहा होता है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज हो तो वो हमेशा प्रेसिपिटेट बना रहा होता है, तो लिहाजा यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। कलर आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लू प्रेसिपिटेट इस फॉर्म। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या था, पेल ब्लू सॉल्यूशन, पेल ब्लू सॉल्यूशन, उसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स NaOH के डाले तो ये आपके पास पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को मजीद अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए इसको मजीद आसान करते हैं। ये था जी आपके पास कॉपर, ये वाला, छह वाटर है, एक वाटर ये लिखा, ये दूसरा वाटर, ये बड़ा तीसरा वाटर, ये आ गया चौथा वाटर, ये आ गया अभी पांचवा वाटर, इस वाटर को मैं ओपन करके लिख रहा हूं, और ये आ गया छठा वाटर। और वाटर तो सारे न्यूट्रल है ना, तो कॉपर के ऊपर टू प्लस चार्ज भी इधर आ गया। अब बेटा आपने डाला फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH आप जब डालेंगे तो फ्यू से मुराद दो NaOH है, याद रखिएगा। अब पता है क्या हुआ, क्या आप जरा गौर से सुनिएगा, हुआ बेटा ये है कि ये जो OH है ना, ये OH इस H को अपने साथ मिला लेगा, OH एज अ बेस है ना बेटा, एज अ बेस के तौर पर काम कर रहा है, तो ये वाटर का H निकाल ले, और ये जो बेटा OH है ना, ये OH इस वाटर से HN को निकाल लेगा। तो अब आप ये देखें कि यहां से ये H निकल गया, यहां से ये H निकल गया, ये वाटर बन जाएगा, एक वाटर ये बन गया, एक वाटर ये बन गया, ये दो वाटर देखे मैंने लिखे हुए हैं ना, और ये OH बन गया। आपको पहले ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे हुआ कि जी इस OH ने वाटर को डिस्प्लेस किया, लेकिन असल में ऐसे नहीं हुआ, इस OH ने वाटर से एच आयन निकाल लिए। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बना है वो ये बना है बेटा, कॉपर एक वाटर आया। अब मैं 3D मॉलिक्यूल नहीं बना रहा क्योंकि बेटा हमारा मकसद यहां पर 3D के बजाय रिएक्शन समझना है। OH-, ईच OH हैज माइनस वन, कॉपर हैज टू प्लस, ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया, और ये बेटा यहाँ पर दो वाटर H2 हो गया, तो ये आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट बन रही है। रिएक्शन समझ आया, बताइएगा सर, ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, आ सकता है बेटा, क्यों नहीं आ सकता, क्यों मुश्किल लगा आपको ये, वैसे तो रिएक्शन पूछता है, ये ड्रॉ तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आ सकता है, इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताओ सर, वो जो ये एच कैरी कर रही है, जरा सही से नहीं समझ आया, मुझे ये बताओ OH की नेचर क्या होती है, NaOH बेस है या नहीं? जी सर। और OH हमेशा क्या करता है, OH आपने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, उसमें OH ने हमेशा H प्लस गेन करके वाटर ही बनाया, तो OH ने H प्लस गेन करना है, तो H प्लस इसको कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है, तो वाटर जब अपना H एंड रिलीज कर देगा तो पीछे वाटर का OH पार्ट बच गया ना, तो ये OH पार्ट है बेटा। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, तो OH के याद रखें कि OH का काम ही है H आयन को गेन करना, OH इज अ बेस। अच्छा बेटा, ये तो एक अभी रिएक्शन पढ़ा ना आपने, ये देखें कि आपने अभी तक पढ़ा है, बस मुझे ये बताएं कि आप जब इस कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में 5 ड्रॉप्स आपने NaOH डाले तो ब्लू प्रेसिपिटेट बने, जब आप एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे तो फिर क्या हो रहा है बताएं, कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा? No, sir. Sir, no change. नहीं आ रहा, इसका मतलब है सेम, इसका मतलब है कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, इसलिए अब आ जाए आप तीसरे रिएक्शन के ऊपर, नो चेंज ना, जब चेंज नहीं हुआ इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रहा, एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि इसी कॉपर एक्वस में अगर आप अमोनिया डालते हैं तो क्या होता है, अमोनिया,
अब देखिएगा जी, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया इज एडेड इनटू कॉपर टू सॉल्यूशन। वैसे रिजल्ट देखने हो क्या रहा है, जब आप अमोनिया डालते हैं तो फिर क्या बन रहा है बेटा? सर ब्लू पी अगेन। इसका मतलब है तकरीबन वही वाला रिएक्शन हो रहा है जो एनएच के साथ हुआ, लेकिन कैसे होगा चेक करते हैं बेटा। अब आपको एक और बात भी याद रखनी है, जब भी आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालेंगे ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, तो इसका मतलब क्या होता है सुने, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का यह मतलब होता है कि ये अमोनिया वाटर से रिएक्शन करेगा। जब भी आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालते हैं ना, तो वो अमोनिया वाटर से रिएक्शन करता है और पता है क्या बनता है, अमोनिया इज अ बेस, वाटर यहां पर एज एन एसिड काम कर रहा है, तो बनेगा अमोनियम आयन। और क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। बताएं ये रिएक्शन, इस पर किसी को इतराज है तो पहले बताएं कि अमोनिया को आप जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया वाटर में डालते हैं तो वाटर एज एन एसिड, अमोनिया एज अ बेस, वाटर का एच अमोनिया गेन करता है, अमोनियम आयन बनेगा और OH आयन साथ में बनेगा, ये जनरेट हुआ OH आयन। अब जरा देखें, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया का मतलब भी है कि आप बेसिकली OH ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखें OH आयन बना है। अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया इज एडेड इनटू कॉपर 2, ये है जी कॉपर 2, इसको 6 वाटर सराउंड कर रहे हैं। अब बच्चों को ना यहाँ ये समझ नहीं आती, ये क्योंकि ये रिएक्शन तो बुक में नहीं लिखा होता ना, वो कहते हैं कि सर ऊपर तो लिखा हुआ है हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं और नीचे ये OH ऐड कर रहा है, ये क्या है भाई? तो इसका आंसर कौन देगा मुझे? ऊपर तो मैंने अमोनिया की हेडिंग डाली है कि मैं अमोनिया ऐड कर रहा हूं, नीचे जी जब आप फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया के डालते हैं तो अमोनिया कॉम्प्लेक्स के बजाय पहले वाटर से रिएक्शन करके OH बना देता है, OH जनरेट करता है, तो ये OH अब बेसिकली वही रिएक्शन करेगा जो ऊपर हुआ है, सेम रिएक्शन होगा भाई, सेम रिएक्शन, इसलिए सेम कलर भी बन रहा है। देखें कॉपर 4 वाटर हो जाएंगे, 2 OH हो जाएंगे, 0 चार्ज हो जाएगा और 2 वाटर। अब आपको कलर वही है, पेल ब्लू और ब्लू प्रेसिपिटेट। बेटा आपको ना वो कहेगा एग्जाम में कि ये जो कॉपर का ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है इसका फॉर्मूला लिखो, कॉपर का जो ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है उसका फॉर्मूला लिखो, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कॉपर को 4 वाटर और 2 OH सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब लास्ट रिएक्शन जी, बट अभी तक देखें एक रिएक्शन किया, कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है भाई, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है अभी तक, ये रिएक्शन और रिएक्शन सेम हुआ है, कोई मेन फर्क नहीं है। अब आ जाएं यहां पर, जब आप बेटा एक्सेस ऑफ अमोनिया डालेंगे तो क्या सेम रिएक्शन हो रहा है जो 5 ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया डालने के बाद हुआ है या कुछ चेंज हुआ है? जब आप एक्सेस में अमोनिया डालोगे ना फिर ये वाला रिएक्शन नहीं होगा जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है। जब आप एक्सेस में अमोनिया डालोगे फिर अमोनिया डायरेक्टली रिएक्शन करेगा। बेटा ये मुझे बताओ, ये जो आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल रहे हो ये आप किस में डाल रहे हो, इस वाले में डाल रहे हो ना, ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर डाल रहे हो या नहीं? जी बेटा ये जो आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल रहे हो ये आप किस में डाल रहे हो? सो इट्स फॉलोड बाय यस इन ब्लू प्रेसिपिटेट। यस ब्लू प्रेसिपिटेट में डाल रहे हो। देखो ना इधर फिर सुने बेटा, ये वाला तो रब, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि आप इससे तो जान छुड़ाए ना, ये तो खत्म हो गया ना। आपने बेटा पहले क्या किया, टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर का सोल्यूशन था ना उसमें 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डाला ना, जब 5 ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया डाला तो ब्लू प्रेसिपिटेट बने। अब आप उन्हीं ब्लू प्रेसिपिटेट के अंदर जो ब्लू प्रेसिपिटेट बने हैं ना उसी के अंदर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल रहे, ठीक है ना। इसलिए अब मैं स्टार्ट यहां से करूंगा बेटा, ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट है यहां से स्टार्ट हो, अब मैं ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, सी यू वाटर 4 है, OH 2 है, बड़ा एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है,
एक्सेस अमोनिया का मतलब आप याद रखेंगे 4 moles ऑफ अमोनिया, बेटा ये हमें भी याद रखना पड़ता है और कोई इसका हल नहीं है भाई, ये हमने भी याद किया हुआ। एक्सेस अमोनिया का मतलब आप याद रखेंगे 4 mole अमोनिया, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया का मतलब आप याद रखेंगे 2 moles ऑफ OH, बेटा ये याद रखना है, ये मेमोरी बेस है, कलर्स भी याद रखना, ठीक है। तो एक्सेस अमोनिया का क्या मतलब होगा, जब भी आप एक्सेस अमोनिया डालेंगे इस कॉम्प्लेक्स में जो कि ब्लू प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है अभी, एक्सेस अमोनिया का मतलब है 4 moles ऑफ अमोनिया। अब आप एक चीज सोचें कि जी मैं, अब आपको ये आगे याद नहीं करना पड़ेगा ये 4 अमोनिया किसको, क्या 4 water को डिस्प्लेस कर रहे हैं या किसको, क्योंकि देखिए अमोनिया डालने से ना क्या बन रहा है बेटा, अमोनिया डालने से सोल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा, सोल्यूशन बन रहा है। इट मींस सोल्यूशन बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज खत्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना यहाँ, तो एक मिनट, सॉरी ये चार्ज इट विल बी जीरो, देयर विल बी चार्ज, बेटा ये चार्ज नहीं है बेटा। अब आप अगर इसमें अमोनिया डाल रहे हैं ना, अभी तो ये चार्ज नहीं है ना, जीरो है, तभी तो ब्लू प्रेसिपिटेट है। अगर आगे डीप ब्लू सोल्यूशन बनना है, वो कह रहा है कि सोल्यूशन बनेगा, तो मैंने आपको एक शुरू में बता दिया है ब्लू पीपीटी का 2+ क्यों है जी बेटा, सर ब्लू पीपीटी का 2+ क्यों है बेटा, मैंने खत्म कर दिया वो, तो एक एरर था जो वनी है, जीरो है बेटा, जीरो, जब भी पीपीटी होगा जीरो चार्ज होगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, जब भी पीपीटी होगा जीरो होगा। लेकिन अब देखो, अब वो कह रहा है कि आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डालो ना तो डीप ब्लू सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जीरो के बजाय कोई चार्ज आए, ठीक है। अब जरा देखना कि हम क्या कर रहे हैं, कॉपर बेटा 4 अमोनिया है, 2 OH को और 2 water को रिप्लेस करेगा, तो 2 water रह जाएंगे, 4 अमोनिया आ जाएंगे, और ये 2+ अब कॉपर का, वाटर भी न्यूट्रल अमोनिया भी न्यूट्रल, ये 2+ कॉपर का है, और जो चीजें रिलीज होंगी बेटा उसको आप साथ लिखोगे, क्या रिलीज हुआ है, 2 OH और 2 water, ये बेटा डीप ब्लू सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों बन रहा है कि ये आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अभी तक कितने कलर्स याद हो जाने चाहिए बेटा। देखिए इसमें मैंने क्या बताया, एक्सेस ऑफ अमोनिया का मतलब है कि 4 moles ऑफ अमोनिया, और 4 mole अमोनिया क्या करेंगे, 2 water को और 2 OH को रिप्लेस करेंगे, और अब आप क्योंकि डीप ब्लू सॉल्यूशन बन रहा है ना, तो आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गए। अब आपको जो कलर्स याद करने हैं, सुने, एक कलर तो आपको याद करना ये वाला कॉपर, ये है ब्लू सॉल्यूशन, लाइट ब्लू सॉल्यूशन, ये पेल भी कह सकते, ये क्या होगा बेटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बताइए जरा। सर ब्लू पीपीटी, ब्लू पीपीटी, शाबाश। ये क्या होगा बेटा, सर वो ब्लू पीपीटी और डीप कलर हो जाएगा, नहीं इसका कलर याद रखना है, डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो आपको बेटा एग्जामिनर ना ये कहेगा कि आप जी डीप ब्लू सॉल्यूशन जो कॉपर का बनता है उसका फॉर्मूला लिखो, ब्लू प्रेसिपिटेट जो कॉपर का बन रहा है उसका फॉर्मूला लिखो। अच्छा इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, मैं बता दूं इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें पूरा वाला याद रखें, एक मार्क्स स्कीम में ना उसने अलाउ किया होगा, तो जो बच्चा कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख रहा है वो भी ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्सेस के नाम सिलेबस में नहीं है हमारे बेटा, कॉम्प्लेक्सेस के नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिर्फ कलर आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह अब कल की क्लास में अभी कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स रहेगा, आप इसके नोट्स ग्रुप में भेज देंगे जो अभी आ जाए, अभी भेज रहा हूं, अभी भेज देता हूं ताकि फिर बाद में वेट भूल जाऊंगा, एक मिनट बेटा। अभी ना मैं आपको बताता हूं हमारे कौन से कॉम्प्लेक्स रहते हैं, अभी जो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, और कॉपर के अंदर ना बेटा अभी हमने वो भी करना है, HCl भी डाल के देखना है, तो बस कुछ कॉम्प्लेक्सेस हम कल करेंगे, और फिर लास्ट हमारा टॉपिक ये होगा कि लास्ट टॉपिक का नाम ये है कि ट्रांजिशन मेटल कलर्स क्यों शो करते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना भाई, ये डिफरेंट कलर के ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये डिफरेंट कलर्स क्यों शो कर रहे हैं, एक लाइगेंड चेंज होता है डिफरेंट कलर आ जाता है,
बल्कि एक मिनट वेट करें बेटा, आपको एक और भी करवा देता हूँ। अभी कोई बच्चा गया तो नहीं है क्लास से? चलें चलें, बस काफी है, दो बच्चे में खाने किए। चलें कल बेटा इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। मैंने नोट सेंड कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग जैसी मुझे रिसीव होगी ना बेटा मेल पर, मैं आपको सेंड कर दूंगा।